और इसी तरह अमृतसर ईस्ट सीट की अगर बात करें, अमृतसर ईस्ट जिस पर काफी देर तक कांग्रेस ने उम्मीदवार का ऐलान भी नहीं किया था, और इस सीट पर भी इस बार सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पाला बदलकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और इसी सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2012 में अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू बीजेपी की टिकट से चुनाव जीती थी और बीजेपी ने इस बार अमृतसर ईस्ट से राजेश कुमार हनी को उम्मीदवार उतारा है। और बीजेपी के सामने अपनी साल 2012 की सीट को बचाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू उनके सामने मैदान में है। और आम आदमी पार्टी की ओर से अमृतसर ईस्ट से सरबजोत सिंह, अपना पंजाब पार्टी से नरेंद्र सिंह यहां से उम्मीदवार है। तो कड़ी टक्कर किसकी है ये भी दिखाते हैं आपको। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला, नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पहले बीजेपी में थे अब कांग्रेस में पहुंच चुके हैं, कांग्रेस की टिकट पर यहां से चुनाव लड़ेंगे, अमृतसर से सांसद भी रह चुके हैं, तो काफी दबदबा रखते हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी हैं पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू, और वहीं राजेश कुमार हनी बीजेपी के नेता अमृतसर ईस्ट से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं।